अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाएंगे दही पूरी। तो देखिए, हमारे पास ये दही है, ये 250 ग्राम दही है और ये मीठा दही है और ये एक मीडियम साइज़ का आलू है। हमने इसे उबाल कर और देखिए इसे छोटे छोटे इस तरीके से कट कर लिए। और ये देखिए पापड़ी है, ये रेडीमेड पापड़ी है, ये इस तरीके से मिलती है छोटी छोटी। और ये एक प्याज है, हमने इसे बारीक कट कर लिए। और एक टमाटर है, हमने इसे भी बारीक कट कर लिए। और ये अनारदाना है और ये पुदीने की चटनी है, ये रेडीमेड चटनी है। और ये खजूर और इमली की चटनी है, ये होममेड चटनी है। और ये सेव है। तो हम चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सब में पहले हम दही में नमक डाल देंगे। ये काला नमक है, ये बहुत ज़रा सा डालना है। और एक चम्मच हम शक्कर डाल देंगे और इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए, दही में शक्कर और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। देखिए, हमने एक प्लेट ले लिए। अब हम दही पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पर हम दही डाल देंगे। देखिए, हमने सारा दही प्लेट में डाल दिए और इसमें हम ये आलू रख देंगे। देखिए, हमने इसमें आलू डाल दिए। अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। देखिए, हमने चटनी डाल दी है इमली की। ये हम पुदीने की चटनी डालेंगे। हमने पुदीने की चटनी डाल दी है और ये पुदीने की चटनी और इमली की चटनी को हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। देखिए, चटनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इस पर चाट मसाला डालेंगे। हम ये एक चुटकी चाट मसाला डालेंगे और एक चुटकी हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हम दो चुटकी हम लाल मिर्च डालेंगे। और इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। देखिए, हम ये सेव भी डाल देंगे और इसी में हम हरा धनिया कट कर कर डाल देंगे। और इसमें हम अनारदाना डाल देंगे। अब देखिए, जो पापड़ी है तो हम इसे साइड से ऐसा इस तरीके से लगा देंगे। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर और यूट्यूब फैमिली से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए, दही पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। और ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है।